राजनगर के अंदर इंदर मेघवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ और आज इकट्ठा हुए हैं, तो जो इंद्र मेघवाल बच्चा था उसके साथ बड़ी ज़्यादा घटना ऐसी हो गई है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी का पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो है जो ना आप लोग परिचय आप अपना नाम बता दें। लो लो जय भीम बोल अपना परिचय करते हैं, ज्यादा समय कोई समय वैसा ना ले। खड़े सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, मेरा नाम चरण सिंह है और मछली विभाग में जॉब करता हूँ और इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। भोजपुर रहने वाला, फिलहाल मैं डिफेंस कलर में रहा हूँ और खेती बाड़ी में करता हूँ और बाकी टाइम जो अपना मिशन में साथ ही साथ रहता हूँ। नाम डॉक्टर मुकेश है और मेरा पेशा पशु चिकित्सक का है और मैं जलालपुर रोड त्रिमूर्ति विहार जलालपुर में रह रहा हूँ। मैं रविंद्र सिंह अमूपुर गाँव का रहने वाला हूँ और जलालपुर रोड पर फिलहाल गंगा विहार कॉलोनी में निवास स्थान है और रेलवे में जॉब करता हूँ। और आज ये जो शोक सभा शामिल हुई है, सभा में आप सभी लोग बड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी यूनिटी समाज में धीरे धीरे आ रही है। जी अब तक मेरा काम पेगा जो भी हो गया, मेरा नाम सुमन सिंह है, आपके नाम से मैं दो साल से आया हूँ करंटली भटक कर, उसका नाम है प्रॉपर्टी का। और आज हम इकट्ठा हुए हैं कि जो मेघवाल जी बच्चा हमारा था उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेश बोध है और मैं गाँव कलोनी का रहने वाला हूँ, कृषि मेरा व्यवसाय है। मेरा नाम ओम प्रकाश और जलालपुर रोड डागर बिहार में रह रहा हूँ। तो मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक हूँ और जलालपुर रोड पर बंदरा क्लेम में रहता हूँ। नमो बुद्धा है, मेरा नाम आशीष है, मैं राधेश्याम विहार का रहने वाला। राधेश्याम विहार कॉलोनी के। हाँ सभी को जय भीम, नमो बुद्धा है। मेरा नाम दान सिंह है, मूल रूप से जलालपुर का रहने वाला हूँ, फिलहाल यह जलालपुर रोड पे रहता हूँ, रिटायर्ड हूँ, अपने घर पे ऐश करता हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद, मैं गांव कुरुमपुर का रहने वाला हूँ पर मुरादनगर ब्रजगढ़ कॉलोनी में रहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जय भगवान आने के बाद डिफेंस कॉलोनी मुरादनगर लाल शंकर विहार कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम ललित है और मैं शंकर विहार कॉलोनी में रहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं रिटायर हूँ शिक्षा विभाग से और न्यू डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम किशोर लाल है और मैं जो है न्यू डिफेंस कॉलोनी में। नमो बुद्धाय, मेरा नाम मोहर सिंह है, न्यू डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। और बधाई। जय भीम, मैं आनंद कुमार और मैं स्पेक्टिंग में नौकरी करता हूँ और डिफेंस कॉलोनी में आता हूँ। जय भीम, लोगों को बुझाओ, इसका ब्रिज विहार कराने वाला हूँ। कौन से गांव से आकर रहे हो ब्रिज विहार? जय भीम, नमो उदय। मेरा नाम चमनलाल है, मोहकमपुर गांव में मेरठ के पास ब्रिज विहार कॉलोनी में रहता हूँ। मुरादनगर तो बहन जी उठो, क्या लेना पड़ा आपने? आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम पिंकी है और मैं शिवम बिहार में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड राकेश जी हैं और मैं घर पे ही बुटीक चलाती हूँ। बहुत सारे जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम शांति और न्यू डिफेंस कॉलोनी मुरादनगर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मंजू सिंह है और मुरादनगर। मुरादनगर में रहते हो? कहाँ पे? गंगा विहार को। गंगा विहार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राज कुमार, मैं सिंह में टीचर हूँ और मैं कुसैडी गांव से रहने वाला हूँ और यहाँ शंकर विहार में रहता हूँ। कोई बात ना, आप टाइम कम है इतना।
जय 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 भीम जय भीम जय भीम संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मेरा नाम मदन पाल सिंह, शंकर बिहार कॉलोनी का निवासी हूँ। दिल्ली सरकार में रोजगार है, मैं बस इस पद पर कार्यरत लक्ष्मी नगर में पहुंचे। संगम नमामि संगम नमामि संगम पहला बुद्धम नमामि चलेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, पुलिस रिटायरमेंट है, शंकर बिहार कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश, कन्होजा गाँव रहता हूँ, रिटायरमेंट सेल्टर। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं न्यू डिफेंस कॉलोनी अंबेडकर द्वार में रहता हूँ। आप सभी को जय भीम। चांद किशोर मेरा नाम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर से दिसंबर 16 में रिटायर हो गया था। वर्तमान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गैस एजेंसी, जेएलएम इंटर कॉलेज, श्रेया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जेएलएम प्राइमरी स्कूल, केजी स्कूल और विभिन्न संस्थाएं, ये सब मेरे द्वारा संचालित हैं, मैं मैनेजर हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं डागर बिहार फेस 2 में रहता हूँ, जलालपुर रोड पे। क्या काम करते हो? मेरा काम है टाई पत्थर का। आज काय के लिए आए हो? आज इंद्र मेघवाल की श्रद्धांजलि की जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसके लिए आया। जय भीम जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम जय भगवान है, जलालपुर नाथपुर में रहता हूँ। पेशा मेरा कबाड़े का, साइकिल मरम्मत। हो गया। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम राकेश कुमार है और शिवम बिहार सेकंड में रहता हूँ, PCDF में जॉब करता हूँ और मैं इंद्र मेघवाल जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना आया। नमो बुद्धाय। मेरा नाम काकेश सिंह है, मैं डिफेंस कॉलोनी से रहती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम नमित कुमार है, कन्होजा गाँव के रहने वाले हैं और न्यू डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं और ब्रज विहार में दुकान करते हैं जी। और इंद्र मेघवाल को जो है श्रद्धांजलि देने आए साहब। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम राम कुमार, न्यू डिफेंस कॉलोनी डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वार में रहता हूँ, मूल निवासी नेकपुर से हूँ। और आज इंद्र मेघवाल के साथ जो ये अन्याय हुआ है, इसके लिए सब मनों में दबाए बैठे हैं और जगह जगह एजिटेशन भी चल रहे हैं। और आज इस टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये जन जन की इच्छा है कि इनके हत्यारों को फांसी दी जाए। जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। मैं मनोज भारती, निवासी राधेश्याम बिहार फेस 1। मैं बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष। सभी सम्मानित साथियों के साथ यहाँ पर इंद्र मेघवाल के साथ जो क्रूरता राजस्थान में हुई है, उसी के संबंध में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम प्रशासन से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस देश में बढ़ती हुई असमानता और घोर जातिवाद को ख़त्म किया जाए और हम उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी भाइयों बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुनील बोध, गाँव बिक्रमपुर से, और मैं रेलवे में काम करता हूँ। और हमारे समाज का जो एक बच्चा शहीद हुआ है, मैं उसके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं ग्राम कुरकुरसी से आया हूँ और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ जिसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा हूँ। जय भीम। जय भीम। नाम ललित कुमार, ग्राम कुरकुरसी। मैं यहाँ इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि देता। सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों को जय भीम। मेरा नाम रोहतास कुमार, पूर्व सभासद मुरादनगर। मेरा नाम विनोद कुमार काले है, मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में एक बलात्कारियों को बलात्कार की सजाए फांसी होती है और हमारा देश इस बात को मानता भी है और सजाए फांसी दी भी जा रही है, जो हमारे यहाँ के न्याय प्रिय राजा बने हुए हैं जिन्हें योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ये जातिवाद का जो है जहर गलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम इसी तरीके से लगनी चाहिए। जिस तरीके से बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाती है, इसी तरीके से इन्हें भी सजाए मौत और फांसी दी जानी चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होगा
जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, हमें आज़ादी को हुए बहुत दिन हो गए लेकिन समाज को आज़ादी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि समाज को आज़ादी जो मिले, कम से कम जब मोदी जी ने दुनिया में तहलका मचाया है कि मोदी जी हैं, तो हमारे देश में भी ये ऐसा कानून लागू करें कि जिस पर कोई भी अत्याचारी किसी भी निर्मल पर अत्याचार नहीं कर सके। जय भीम। जय भीम। साथियों, मेरा नाम गुलाब सिंह है, कार्य मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, कस्बे मुरादनगर का रहने वाला। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम मदन पाल भारती, गांव मेरा भिकनपुर, और मैं एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ और इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। अर्जुन सिंह, जय भीम बोलो। जय भीम, इतने आदमियों ने जय भीम बोला, जय भीम नहीं याद रहे? जय भीम ना बताओ। मेरा नाम अर्जुन सिंह, श्रीराम पिस्टन में जॉब करता हूँ और जलालपुर रोड पर त्रिमूर्ति विहार में रहता हूँ। अच्छा, बोल एक शब्द। जय भीम ना बुद्धा। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं रोजगार को रहता हूँ। आज हम इकट्ठा हुए इंद्र मेघवाल हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। क्या काम करते हैं? मैं साथियों टीचर हूँ। सभी सम्मान साथियों को जय भीम नमुद्दा है। मेरा नाम राजकुमार भारती, गांव नईपुर से 15 करोड़ी में निवास स्थान है और श्रीराम पिस्टन नौकर हूँ। बाकी समर संघ की संगति हर संडे करते रहते हैं। तो मैं सभी भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ कि एक मैसेज पे अभी समाज में इतनी बड़ी जागरूकता है, एकता है कि आप यहाँ इकट्ठे हों, आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी हम जो इंद्र कुमार गुजराल जो घटना घटिया स्थान वाली श्रद्धांजलि देने के लिए और 2 मिनट मौन रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं, तो हमें 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देनी है और भावना अपनी प्रकट करनी है। उसके बाद में सभी को साधुवाद। और मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ, पहले परिचय तो हो जाओ, वहाँ कर दिया परिचय दे दो, अब तो परिचय का चला, हम परिचय देते चले जाओ। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। धर्मपाल सिंह राधेश्याम भारत के मन से हूँ और इंद्र मेघवाल जी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम किरण सिंह है, डिफेंस कॉलोनी अम्बेडकर गेट पर रहता हूँ। जय भीम। सभी को जय भीम। मेरा नाम राकेश प्रधान है, बड़का हारिकपुर से निवास करता हूँ। सभी को मेरा सादर जय भीम। मैं पूर्व प्रधान गांव असाद नगर व पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा गाजीबाद व पूर्व प्रत्याशी विधानसभा खुर्जा और वर्तमान में मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। मेरा नाम प्रेमपाल करदम, मोदी नगर से। सभी को सादर जय भीम। मैं राम किशोर गौतम, निवास अमीरपुर गढ़ी, और आज जातिवादी और दूषित मानसिकता के विरोध में और इंद्र मेघवाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ। और कोई भाई? सभी को मेरा आदरणीय जय भीम। आज हम सब लोग यहाँ स्वर्गीय श्री इंद्र कुमार जी की श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए और हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित है। जय भीम सर। मैं प्रेमचंद, मोदी नगर से, और ये मेरा जो है छोटा भतीजा है आरओ। हम जातिवाद के खिलाफ यहाँ पे आए हैं और उनको जो है इंद्रदेव कुमार को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, और सभी से एक विनम्र निवेदन है कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि ना दें बल्कि हमारे अंदर जो देश भावना है उसको त्याग करके सभी लोगों को जो है एकत्र करें और सभी से जो है न्याय की गुहार करें कि सभी लोग उनके लिए जो है अच्छे जो है विचार प्रकट करें और समाज में जो बुराइयां हैं उसको कम करने के लिए हम अपना अपना सहयोग करें। एक बार फिर जय भीम लोग जाए। आप अभी पहले बुद्ध वंदना करेंगे, उसके बाद में 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और फिर मोमबत्ती का प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करेंगे। आज जो ये सभा आप सब लोग आमंत्रित किया, अपना समय दिया है, ये समय बहुत कीमती आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए। ये जो आज देश के अंदर घटना चल रही है, दमादम घटना चल रही है, इसका कुछ निदान भी होगा? कभी जीवन में नहीं होगा। 75 वर्ष हमारी आज़ादी को खो चुके हैं, भाई पूरे देश में झंडा लहराया, आपने भी कहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसने जो कहा उसने सबने उसकी जय बोल दी। उसने कहा थाली की बजाओ, हमने थाली बजा दी। उसने जो है फूल बरसाया, उन्होंने कांवड़ ढोनी है तो हमने कांवड़ ढो दी। यानी कि कुछ निदान है इस देश में, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं या मारने के लिए भी कभी पैदा होंगे?
संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए बनाया या पूरे देश के लिए बनाया, ये बता दो। पूरे देश के लिए बनाया ना, तो मरने के लिए हम ही रहेंगे क्या? हमारे अंदर खून है या पानी है? बिल्कुल अभी इस देश में जो प्रतिदिन 4-5 प्रतिदिन घटना हो रही है, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। एक तो आप सब लोग दूर दूर से आए, सम्मान एक अधिकार को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें, पहली बात तो है, क्योंकि इस पर सबकी वीडियो आएगी और शेयर भी करेंगे। श्रद्धांजलि उस बच्चे को दी जा रही है जिसको ये भी नहीं पता जाती हो, इतना बड़ा बच्चा है उसे जाती होती क्या है। ये जो बीमारी इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को काटी थी संविधान लागू करने के बाद में, फिर भी ये चली आ रही है, क्यों चली आ रही है ये? एक तो आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो कुरान पढ़ें आप, अगर नहीं पढ़ी हो तो कुरान जरूर पढ़ें, और फ्री ऑफ कोर्स आएगी मुसलमान की लैब से, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, खजूर खाने के लिए फ्री आएंगे, ठीक है जी। एक दूसरा नंबर ये है कि पूना पैक्ट जरूर पढ़ें, जो बाबा साहब का पूना पैक्ट है, ये दो किताब आपको बचा सकती है, क्योंकि कुरान क्या कहती है, कुरान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुस्लिम कितनी भी बड़ी रियासत का मालिक हो, कितनी भी बड़ी रियासत का मालिक हो, अगर इस्लाम दबंगता में है तो उस जगह को छोड़ दे। और बाबा साहब ने भी पूना पैक्ट में स्पेशल कहा है कि भाई जहाँ हमारे 10 घर हैं, 5 घर हैं, 4 घर हैं, वो उस जगह को छोड़ के जहाँ हमारे बाहुबली गांव हैं, हमारी ज़्यादा आबादी है, उस आबादी में आके जाके हम रहें। भाई जलालपुर गाँव हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है मुरादनगर में, भाई वो हमारे समाज का है, क्या कोई वहाँ हाथ डाल देगा? डाल सकता है कोई? क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से हमारा है। इसी तरीके से हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसका मेन कारण ये राजस्थान में देश का सबसे ज़्यादा जातिवादी स्टेट है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद राजस्थान के अंदर। तो ज़्यादा समय ना देते हो आप सब लोगों को गलती के लिए क्षमा, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सब लोग वंदना करेंगे, आप सब लोग आ जाएंगे और उसके बाद में एक परिचय लो। मैं नरेंद्र कुमार सेवानगर गाजियाबाद से। सभी को जय भीम, नमो बुधाए। मैं जयपाल सिंह, पूर्व प्रधान राजनगर के अंदर इंदर मेघवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जय भीम, नमो बुधाए।